हेलो दोस्तों, जय हिंद भाई। इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। एक सेलिंग फ़ैन रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि इसमें प्रॉब्लम है, ये जाम है, ये घूम नहीं रहा है, बहुत टाइट घूम रहा है। काफ़ी दिनों से ठंडी में रखा हुआ था, ठंड के सीज़न में, इसके वजह से घूम नहीं रहा है, बहुत टाइट है, हल्का घुमाने पर घूम रहा है। तो इसको दिखाएँगे आपको किस तरह से क्या दिक्कत है। अगर इस तरह का समस्या हो तो आप किस तरह से समाधान इसका करेंगे। पहले दोस्तों खोल लेते हैं। यहाँ से कैपेसिटर का एक कनेक्शन है, जो कि स्टार्टिंग कॉइल से है, और यहाँ एक ध्यान देना है, जो जिसमें खोलेंगे उसी में फिर वापस जोड़ना है। तो पहले खोलने से पहले इसको ध्यान देना है। ये रेड वायर कॉमन है, ऊपर में है, और एक पीला वायर जो निकला है रनिंग कॉइल से आया है, और एक कैपेसिटर का है रनिंग, और एक कैपेसिटर का तार जो लगा है वो नीचे लगा हुआ है। इसको अगर कसेंगे फिटिंग करते समय, इसको ध्यान देना है, उसी तरह से फिट करना है। अगर समझ में नहीं आए किस तरह से कनेक्शन करना है, तो इस पे वीडियो दूसरा बना हुआ है, लोड किया हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप किस तरह से कैपेसिटर कनेक्शन किया जाता है तीन तार का, और दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी इसको ओपन कर लेंगे, तीन नट को, बॉडी नट खोलेंगे यहाँ से, तीनों नट को पहले खोल लेते हैं। दोस्तों तीनों नट को ओपन कर लिए हैं, बॉडी नट यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे लगा लेंगे एक, और थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे ऐसे चारों साइड से, तो ये हमारा निकल जाएगा कुछ इस तरह से। ओपन हो गया, इसको वायर को यहाँ से कटिंग है, तो इसको यहाँ से अंदर कर लेना है। अंदर करने के बाद में फिर ये बॉडी बाहर निकलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ प्रेस करेंगे, अभी ये बाहर आ गया दोस्तों। ये अभी रोटर को बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से, रोटर भी बाहर आ गया। कुछ इस तरह से सभी पार्ट बाहर आ गया है मेरा। अभी चेक करना है कि कौन सा बेरिंग जाम है। दोस्तों ये बेरिंग नहीं घूम रहा है, जो कि हल्का घूम रहा है, इसके बाद नहीं घूम रहा है, जाम है। ये टॉप बेरिंग जो है यही ख़राब है हमारा, 6202 का इसमें बेरिंग लगेगा। और ये बॉटम वाले को देख लेते हैं, ये दोस्तों घूम रहा है, बेरिंग हमारा सही है, जो कि इसको ग्रीसिंग कर देंगे केवल। और ये जो ऊपर वाला है, इसको पानी जाने की वजह से हल्का जंग लगा हुआ है इसमें, इसके वजह से ये बेरिंग जाम हो गया है। देखिए घूम नहीं रहा है, नहीं घूम रहा है दोस्तों। तो ये बेरिंग को अभी चेंज कर देंगे। अभी किस तरह से इसको चेंज करेंगे आपको दिखाते हैं। यहाँ एक पुलर आता है 6202 का और 6201 का, लेकिन दोनों में बेरिंग में काम आ जाता है निकालने में। दोस्तों कुछ इस तरह का पुलर आता है, जो कि यहाँ से एक पत्ती आता है, इसको पत्ती को पहले निकाल लेना है, इसके बाद में बेरिंग में यहाँ से अंदर की ओर डालना है। इसको डाल देंगे, 6202 का ही पुलर है, 6202 और 6201 का अलग अलग पुलर आता है। इसमें पत्ती में अभी पत्ती को बीच में डाल देना है गैप में। पत्ती को डालने के बाद में यहाँ से इसको नीचे टाइट घुमाना है इस तरह से। इसको घुमा लगे, अभी हमारा टाइट हो गया। अब इसको घुमाना है इस तरह से, इसको घुमाना है। कुछ इस तरह से इस साइड में घुमाएंगे तो ये बाहर बेरिंग को बाहर लेकर आ जाएगा। इस तरह से घुमाना है, ये बेरिंग हमारा बाहर आ गया कुछ इस तरह से। अभी यहाँ से पहले पत्ती को निकालना है। पत्ती को निकाल लेने के बाद में यहाँ से इसको ऊपर टाइट कर लेना है, और यहाँ हमारा बेरिंग कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे पुलर को रख देते हैं पहले। अभी बेरिंग को नया डालते हैं।
दोस्तों बैरिंग ये नया वाला ले लिए हैं, इसमें नया बैरिंग को भी एक हथौड़े की मदद से इसमें एक हथौड़े की मदद से इसको बैठा लेंगे। इस तरह से बैठ गया। अभी दोस्तों ये हमारा फ्री घूम रहा है एकदम, कुछ इस तरह से घूमेगा। अभी यहाँ पे स्टेटर को अभी डालना है इसमें। पहले फर्स्ट में इसको स्टेटर को डालेंगे यहाँ, कुछ इस तरह से अभी घूम रहा है, फर्स्ट क्लास घूम रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे फिर ये जो रिंग है इसको रिंग को यहाँ पे इस तरह से डाल लेना है। यहाँ पे बैठ गया रिंग हमारा, कुछ इस तरह से फिर घूम रहा है अभी पंखे में। अभी यहाँ पे दोस्तों अभी स्प्रिंग को डाल लेना है फर्स्ट में, इसके बाद एक वाशर होगा, इसको वाशर को यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद में इसको थोड़ा बेरिंग को ग्रीसिंग कर लेते हैं, इसमें ग्रीस डाल देते हैं। दोस्तों अभी ग्रीसिंग कर चुके हैं इसको, कुछ इस तरह से यहाँ अभी जो बॉडी नट है इसके सामने और ये बॉडी नट जो है इसके सामने एकदम रखेंगे, ऐसे सामने सामने रखना है और फिर इसको प्रेस करके सीधा सेंटर की तरफ इस तरह से इसको कुछ इस तरह से बैठाना है। अभी यहाँ पे प्रेस करके इस तरह से बैठा लेंगे चारों साइड से, अभी दबा लेंगे। अभी थोड़ा सा हल्का चोट मारेंगे इस पर, यहाँ पे बीच सेंटर में नहीं मारना है क्योंकि बीच सेंटर में गैप होता है तो पंखा टूटने का डर रहता है, तो साइड में यहाँ पे बैरिंग का कवर के साइड में मारना है यहाँ पे चोट। आप पंखे को बैठा लिए हैं, अभी तीनों बॉडी नट को टाइट कर लेना है कुछ इस तरह से। तीनों नट को अभी फुल टाइट कर लेंगे दोस्तों। अभी तीनों नट को टाइट कर लिए हैं बॉडी नट, तीनों हमारा बना टाइट हो चुका है और पंखा कुछ इस तरह से फ्री हमारा घूम रहा है, एकदम बिल्कुल फ्री है। देखिए साफ्ट किस तरह से घूम रहा है हाथ से, इस तरह से घूमना चाहिए तो ही हमारा पंखा सही चलेगा। अभी इसको कनेक्शन को बाहर इस साइड में यहाँ से कट है, यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है। अभी निकालने के बाद में यहाँ पे क्लैंप को टाइट कर लेना है, कैपेसिटर क्लैंप है, यहाँ पे टाइट हो गया हो चुका है। और कनेक्शन कुछ इस तरह से था, ये ब्लू वायर जो था स्टार्टिंग कॉइल का था, तो ये एक कैपेसिटर वाले एक तार में ज्वाइंट कर देना है ब्लू वाले को, और यहाँ पे एक स्लीव है इसको कवर कर देना है, इसको यहीं तक ज़रूरत था। अब एक कैपेसिटर का तार था जो रेड कलर में लगा हुआ था, तो रेड कलर में लगा लेना है, नहीं सॉरी दोस्तों रेड कलर में नहीं था, ये पीला वाले तार में था, पीला वाले तार में था, और रेड जो था वो कॉमन था, तो रेड जो कलर का था वो ऊपर में यहाँ पे टाइट था तो ऊपर में ही कर लेंगे, नीचे भी कर सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए ऊपर ही करेंगे। और पीला वाले जो है इसको यहाँ पे नीचे साइड में कर लेना है, आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रेड को नीचे कर सकते हैं और पीला वाले को ऊपर भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस इसमें नहीं होता है एसी में। तो यहाँ पे एक क्लैंप से बांध लेंगे तार को क्योंकि बॉडी में रगड़ न खाए, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक टाई की मदद से यहाँ से बांध लेना है और इसको कट कर देना है। अभी यहाँ पे टेस्ट करेंगे इसको। अभी दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऊपर उठा लेना है और कुछ इस तरह से जो सुराग है एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एक ऊपर लगाना है और एक नीचे लगाना है, और ये सीरीज वायर है जो हमारा है सीरीज में ही है, इसमें सीरीज वायर में इसको टेस्ट करेंगे किस तरह से, कुछ इस तरह से
दोस्तों अभी पंखा हमारा फुल स्पीड घूम रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यह स्मूथ है, चल रहा है। ये पंखा जो है हाई स्पीड का है, 8+8 कॉयल है इसमें, तो ये हाई स्पीड पंखा बोलते हैं, जो कि 36 इंची का ब्लेड लगता है इसमें। दोस्तों बेरिंग अगर चेंज करना है तो कुछ इस तरह से आप इसको बेरिंग रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ख़ास इसमें दिक्कत नहीं था, बेरिंग का ही प्रॉब्लम था। और आप खुद घर पे भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर दोस्तों कनेक्शन आप भूल जाते हैं तो तीन तार का हमारा किस तरह से कनेक्शन करना है वो एक वीडियो दूसरे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे वीडियो पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।